हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गैब्रियल शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूं एक नया यूट्यूबर कैसे चैनल को सेटिंग करना है, और जिन जिन को सेटिंग करना नहीं आता है दोस्तों, उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे कि मेरे हाथ में आज एक चैनल आया है, अनीता निंगमंजा है उसका नाम। अभी दोस्तों वो वीडियो अपलोड करता है तो उसको वीडियो अपलोड करना उतना अच्छा से नहीं आता है, और चैनल में वो गलत सेटिंग करता है। इसके वजह से उसके वीडियो में अगर कमेंट करना चाहूँ तो कमेंट नहीं आता है, और उसका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना चाहूँ तो बेल आइकन भी प्रेस नहीं होता है। दोस्तों, ये सब किसकी वजह से होता है मैं उसको दिखाने वाला हूँ। आप सब ध्यान से वीडियो देखिएगा और एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जिस वीडियो का मैं बात कर रही हूँ, मैं उनके चैनल को पहले सर्च कर लेता हूँ। उनके चैनल के नाम है अनीता निंगमंजा। ओपन हो गया। दोस्तों, उनके एक वीडियो ले लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर बेल आइकन दबाना चाहूँ तो दिखाता है डिसेबल और अनसब्सक्राइब। इसको मैं अनसब्सक्राइब करके फिर से दिखाता हूँ। अगर मैं सब्सक्राइब करके दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी ये बेल आइकन ओपन नहीं होता है। दोस्तों, मैं इसी के बारे में अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं YouTube ब्राउज़र को ओपन करता हूं और अनीता निंगमंजा के चैनल को ओपन करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इनके चैनल ओपन हो गया। व्यूज़ चैनल में देखता हूं। दोस्तों, इनके वीडियो को अभी एडिट करना है। एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अभी पेंसिल आइकन को दबाता हूं। दबाने के बाद डिस्क्रिप्शन है मोर चैनल योर, इसके सिवा वीडियो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अभी उनके चैनल में YT स्टूडियो डाउनलोड करना है, और कैसे YT स्टूडियो डाउनलोड करके कैसे चैनल को एडिट करता है मैं वो सिखाता हूँ। प्ले स्टोर में जाके अभी लिखना है YT स्टूडियो। ये हो गया दोस्तों YT स्टूडियो ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अगर आपके चैनल में भी YT स्टूडियो नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड एडिट करेंगे? आपको हर वीडियो एडिट करने के लिए YT स्टूडियो चाहिए, और बिना YT स्टूडियो के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में होने वाला है। इंस्टॉल हो रहा है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको अलाउ कर देना है। अनीता निंगमंजा इसको प्रेस कर देना है। गेट स्टार्ट। दोस्तों, ये अनीता निंगमंजा का चैनल का डैशबोर्ड खुल गया। अभी मैं इनका पुराना वीडियो में जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कंटेंट को प्रेस करना होगा, और कंटेंट प्रेस करके इनके पुराने वीडियो में ये ले लेता हूँ। दोस्तों देखिए, उसके बाद ये पेंसिल का आइकन दबाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, दोस्तों उसकी वीडियो में यस इट मेट फोर कैच लिखा है, इसको दोस्तों प्रेस करना है, इसको नो कर देना है। दोस्तों, ये एक सेटिंग हो गया। उसके बाद मुझे बैक चले जाना है और इसको सेव कर देना है। दोस्तों,
इसी तरह, और ये चेक करके देखता हूँ पेंसिल का आइकॉन दबाता हूँ। यस इट्स मेड, देखिए दोस्तों ये भी यस इट्स मेड फॉर कट लिखा है, इसको भी नो इट्स मेड नॉट मेड फॉर कट लिखना है। और इसको मैं अभी बैक कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। और ये देखता हूँ इसमें क्या है दोस्तों, पेंसिल का आइकॉन दबा दिया मैंने, देखिए इसमें भी यस इट्स मेड फॉर कट लिखा है, इसको दबाना है, इसको नो करना है दोस्तों। इसी तरह इसको भी सेव करना है। अभी बैक करता हूँ दोस्तों। इसी के वजह से उनके वीडियो में आप अगर बेल आइकॉन प्रेस करने से भी बेल आइकॉन प्रेस नहीं होता है, ये भी दोस्तों ऐसे गलती करके रखा है। यस इट्स मेड फॉर कट, इसको नो करना है दोस्तों, जिसके कारण आप कुछ कमेंट करना चाहो तो कुछ कमेंट करने नहीं सकता है। और इसको देखता हूँ दोस्तों इसको मैंने अभी सेटिंग कर दिया है, चलता हूँ बैक। अभी ये वाला दोस्तों, आप अगर ये गलती करोगे तो आपका भी चैनल ऐसा ही होगा, इसलिए इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर कट लिखना है और इसको सेव कर देना है। और दोस्तों उसने अभी तक थंबनेल बनाना नहीं सीखा है, थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा। ये भी दोस्तों गलती करके रखा है, इसको भी नो करना है, इसको बैक करना है, उसको सेव करना है दोस्तों। इसी तरह लगभग मैंने हर वीडियो को सेटिंग कर दिया, और इसको देखना है दोस्तों इस वीडियो में भी सेम गलती करके रख दिया है, इसको सेव करना है। दोस्तों अभी वीडियो ज़्यादा नहीं थी इसलिए चेंज करने में थोड़ा आसान हो रहा है दोस्तों। अगर आपका भी चैनल में ऐसा है, इसे दोबारा गलती मत कीजिएगा। ये दोस्तों देखिए इसमें भी यस करके रखा है, इसको नो करना है, उसके बाद बैक जाना है, उसके बाद सेव करना है। ये भी दोस्तों पेंसिल आइकॉन दबाना है, फिर इसको नो करना है, सेव करना है, बैक आना है। दोस्तों ये देखता हूँ ये सही है, बैक आता हूँ। दोस्तों इसी तरह मैंने हर वीडियो को चेक कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये लास्ट वीडियो देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ, ये सही है, अभी मैं बैक करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी अपना चैनल में ऐसे गलती किया हो तो आप इसे अपना चैनल को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।